इंडिविजुअल एंड स्पीशीज, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो जैसे दे रखा था, ये क्या है? कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने वाली थोड़ी सी बात थी। एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसी को हम लोग एक इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल बीइंग बोलते हैं, इंडिविजुअल लिविंग बीइंग बोलते हैं। ऑब्वियस ही बात है, लिविंग तो होने चाहिए ना। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल लिविंग बीइंग कब है, इसका बहुत सिंपल सा फंडा है एनवायरमेंट के अंदर इसको डिफाइन करने का। कोई भी ऐसा जीव जंतु प्राणी जो कि एक्ट कर पा रहा हो या फिर फंक्शन कर पा रहा हो इंडिपेंडेंटली, यानी कि इसको अगर मैं आम भाषा में समझाऊं, भाई एक इंडिपेंडेंट शरीर लेकर पर्सन खाना पीना सुसु पॉटी ये सब अगर कर पा रहा है इंडिपेंडेंटली एक्ट करके, तो वो एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इंडिविजुअल क्या होता है? जिसकी एक खुद की इंडिविजुअलिटी होती है, यानी कि उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है डेट आई विल एक्ट माई ओन, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं, मैं सारी एक्टिविटीज अपनी खुद कर सकता हूं, अपना एक्ट अपना फंक्शन अपनी एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली वो परफॉर्म कर सकता है। बेसिक तो कर ही ले, वो अलग बात है कि एक छोटा बच्चा क्या इंडिविजुअल बीइंग है? जी हाँ बीइंग है, वो इंडिविजुअल बीइंग है। सांस लेने के लिए परमिशन नहीं लेता वो आपसे, सुसु करने के लिए परमिशन नहीं लेता वो आपसे, ये तो आप किसी से भी नहीं लेते हो लाइफ टाइम। दिल धड़कने के लिए हम किसी से परमिशन थोड़ी ना लेते हैं, ये चीज है। अब स्पीशीज क्या होते हैं? स्पीशीज एक ऐसे ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बस यहां पर कीवर्ड यही है ग्रुप, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दूसरा कीवर्ड सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं, एक स्पीशी के अंदर एक ही जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे यार मुझे एक बात बताओ, इंसान और एक कुत्ता, ये क्या सेम स्पीशीज में कह सकते हो उसको आप? अनुज मयूर बताओ, नहीं ना। लेकिन अगर एक कुत्ते की प्रजाति और दूसरे कुत्ते की प्रजाति है, तब क्या हम इसको स्पीशीज कह सकते हैं? कह सकते हैं? बालकनी में खड़े हो, सामने वाले पेड़ पे तोता मैना चिड़िया बुलबुल वुडपेकर कॉमन मैना पिकॉक ये सारे अगर आ गए, इनके लिए कॉमन वर्ड क्या यूज करते हो? क्या है ये सब कुछ? चिड़ियों की प्रजाति में ही बोलते हो ना इसे, बर्ड्स बोलते हो ना, है ना। तो यहां पर सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं डेट आर केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स, जीन्स को एक्सचेंज करें आपस में और इंटरब्रीडिंग करने के लिए। कुल मिला के भाई एक बात है कि एक सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि आपस में जीन्स एक्सचेंज कर सके थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेक्स, बस वो होते हैं स्पीशीज, ठीक है। यूपीएससी बहुत अनोखा है, बहुत अच्छी चीज खेलता है, हमें डेफिनेशन याद करवा के बेवकूफ बनाने में बहुत माहिर है। क्या करता है यूपीएससी, उसने 2020 से ये बायोटेक्नोलॉजी का जब से पूछना स्टार्ट करा है तब से अंडशंड सवाल है ना कि क्या मतलब इंसान का स्पर्म पिग एम्ब्रॉय के अंदर इंसर्ट करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता है, तो वो करा जा सकता है। और अब तो ये जो जीन्स है ना, ये सिर्फ इंसान इंसान में नहीं, शेर का जीन और इंसान का जीन भी मिक्स करा जाता है, जिसको अगर आप अभी लिख लो, सिर्फ मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में बाद में पढ़ाऊंगा साइंस में अभी, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला इसमें से। एक स्टडी होती है चिमेरिक स्टडी, जिसमें आप, मैंने बताया भी था वैसे कुछ क्लासेस पहले, कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है और बड़ी सारी कंट्रीज इस पर एक्सपेरिमेंट कर भी रही हैं, और बहुत सारे साइंटिस्टों को इसकी वजह से मतलब जेल हो गई, उन पर सवाल उठाए गए हैं कि यार ये क्या है। आप बहुत सारी स्टडी बायोटेक्नोलॉजी की, जैसे क्रिस्पर कैस 9 है, आप अपना बच्चा डिजाइन कर सकते हो, यू कैन मतलब कंसिडर कि आपको बच्चा अपने 6 फुट की हाइट का चाहिए बड़े होकर, उसकी एक आंख ब्लू होनी चाहिए दूसरी ग्रीन होनी चाहिए, मुझे उसके पर्पल कलर के बाल चाहिए, वो सिल्की होने चाहिए, उसका टेक्सचर चॉकलेटी होना चाहिए, और उसके एब्स होने चाहिए जैसे वो पैदा डेवलप हो, अच्छा दिखे वो काफी ज्यादा, उसकी बियर्ड बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ आप अपना बच्चा डिजाइन करवा सकते हो। लेकिन इसी में बहुत सारे सवाल उठ गए हैं, क्या कुदरत के
इस इंसान मतलब कुदरत जिस प्रकार से इंसानों को पैदा करता है, क्या उसके साथ खिलवाड़ करना ठीक है या गलत है? तो चिमेरिक स्टडी एक ऐसी स्टडी है जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकती है आने वाले फ्यूचर में, अगर इसको मंजूरी मिल गई, और जो कि मिली जाएगी बहुत आगे साल में तो मिली जाएगी, जिसमें अगर आप एक शेर के जीन्स को इंसान के अंदर किसी भी तरीके से फिट कर दो तो पता है क्या होगा, आपका बच्चा शेर की स्पीड से भागेगा। कैसे होगा ये पॉसिबल? क्या ये पॉसिबिलिटी है? जी हाँ, 101% पॉसिबिलिटी है ये। कैसे होगा ये मैं बायोटेक्नोलॉजी में बताऊंगा आपको, जब मैं साइंस बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब मैं आपको करवाऊंगा उसमें ये सारी स्टडीज में करवाऊंगा आपको। तो आपके जो साइंस के जो ऊटपटांग जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपको हलवा लगेंगे, वो कह रही है तो मैं पढ़ चुका हूँ। कहाँ से पढ़ना है? 11th क्लास की बायोटेक्नोलॉजी की एनसीईआरटी आ चुकी है, जो कि जानते ही नहीं लोग, जब से वो आई है यूपीएससी बस तब से ही क्वेश्चन बना रहा है उसमें से, 2020 में से तब से लॉन्च हो गई थी वो। और भी चीज़ों से कराऊंगा मैं धीरे धीरे करके, सुनते चले जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद ये जो इंडिविजुअल्स और स्पीशीज हैं ये टैक्सोनॉमी के बेसिक यूनिट है। अभी टैक्सोनॉमी क्या होता है? कुछ नहीं, जिसके अंदर स्पीशीज को क्लासीफाई करा जा सकता है, एक बुक कह सकते हो आप एक प्रकार से, जिसमें ऑर्डर लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, क्या लिखा है, ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद क्लासिफिकेशन स्पेशली ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि दिस इज अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ समथिंग इज नोन एज टैक्सोनॉमी, ठीक है। जैसे लिविंग बींग्स की टैक्सोनॉमी जैसे क्या होती है, इसको मान लो कि ये डोमेन क्या है, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसके जीनस क्या है, उसके स्पीशीज क्या है, ये चीज। ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी। चाहो तो मतलब डिक्शनरी मीनिंग के लिए लिख सकते हो, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को हम लोग ये कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, और सॉरी इकोलॉजी में मतलब एनवायरनमेंट की बुक में, और अपनी इकोनॉमिक्स में आराम आराम से ही चलना, क्योंकि तुम्हें दूसरों से लीड इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में मिलेगी। लक्ष्मीकांत हर कोई बेवकूफ़ पढ़ रहा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हर कोई बेवकूफ़ पढ़ रहा है, एंशियंट नहीं पढ़ता, मेडिवल नहीं पढ़ता, मेडिवल समझ में ही नहीं आती पढ़ेगा कहाँ से, और दूसरों को रट्टेबाज वाली चीज़ें लगती हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ने की औकात नहीं होती लोगों की, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के सोर्सेज नहीं पता होते, या वो भागते रहते हैं लोग। इन दो सब्जेक्ट में लीड पा लेना तो दूसरों की खोपड़ी के ऊपर से जाके प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे एटलीस्ट। इसलिए मैं बहुत आराम आराम से चला रहा हूँ, ठीक है। कई लोग मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बोलते हैं कितने आराम आराम से वो कोर्स चला रहे, तो मैं कहता हूँ भाई ये तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है, ये फाउंडेशन कोर्स के बच्चों के लिए है। तो दे आर डिनोटेड बाय, मतलब इनको हम लोग लैटिन बायनोमिनल बायनोमियल बोलते हैं। लैटिन बायनोमियल मतलब कुछ नहीं, अंग्रेजी शब्द छोड़ो, हम लोग क्लासीफाई नहीं करते हैं जैसे इंसानों को। यार ये यहाँ पर आपको याद आ जाएगा, अभी दिखा देता हूँ, ये देखो, इसको देखो कहाँ गया, ये याद आया, इससे याद आया कुछ, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, हिस्ट्री तमिलनाडु। अब सुन के ये तुम्हें शॉकिंग नहीं लगेगा, क्यों? एनसीईआरटी वाले बच्चे की तो हालत खराब हो जाएगी, तुम क्योंकि तमिलनाडु कर चुके हो 6th क्लास की हिस्ट्री की। ये फायदा होता है ऑर्डर में चीजें करवाने का, ये फायदा होता है, ठीक है। तो अपने आप पर ट्रस्ट रखू, धीरे धीरे करते करके नॉलेज बेस बहुत बिल्ड हो जाएगा, सब चीजें बच्चों वाली लगने लग जाएंगी। नया है इसलिए टाइम लग रहा है। पॉपुलेशन पे बढ़े सेफली, सब लोग रेडी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे जनरली इंसानों की अगर हमें बात करनी है तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस, है ना। ये चीज पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन एक कम्युनिटी होती है इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, लेकिन सेम स्पीशीज की। सांप शेर के साथ बच्चे पैदा नहीं करेगा, सांप दूसरे सांपों के साथ बच्चे पैदा कर सकता है, कुत्ते की एक ब्रीड दूसरी ब्रीड के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकती है। जैसे मुझे एक एग्जांपल बता दो जरा, जैसे कोई ऐसा कुत्ता हो जिसकी दो स्पीशीज मिक्स होकर बनती, सॉरी दो ब्रीडिंग मिक्स होकर बनती है, उसकी इंटरब्रीडिंग करके वो कुत्ता ऐसा बनता हो जिसकी वो ओरिजिनल ब्रीड ना होती हो, दो कुत्तों को सेक्स करवा के वो ब्रीड पैदा करवाई जाती हो। गधा और घोड़ा, वेरी गुड, ये भी एग्जाम्पल बन सकता है।
डंकी प्लस हॉर्स क्या पैदा होगा इससे? हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, यही जो घोड़े और उसे खच्चर है ना, ये है। पॉपुलेशन एक ऐसा कम्युनिटी, पॉपुलेशन एक ऐसी कम्युनिटी होती है इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स की जो कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, बस आपस में मतलब ये भी सेक्स कर रहे होते हैं, जो एक डिफाइंड एरिया ऑक्यूपाई करते हैं ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ना, बस डेफिनेशन इसकी, डिफाइंड एरिया एंड अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे डिफाइंड एरिया और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, इसका एग्जाम्पल जैसे मैं बता देता हूँ, मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ, इन दो वर्ड्स को डिफाइन करने के लिए मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल। यार लेपर्ड, लेपर्ड होता ठीक है मान लिया, लेकिन स्नो लेपर्ड एक डिफाइंड एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, वो आपको ऐसे नहीं कि कहीं पर भी मिल गया, कहीं पर भी मिल गया आपको स्नो लेपर्ड अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलेगा क्या? प्रिया अंकिता वो आपको केरला में मिलेगा क्या? मयूर दिल्ली में मिलेगा क्या? अनुज वो आपको गुजरात में रन ऑफ कच्छ में मिलेगा क्या? नहीं ना, ये उसका एक डिफाइंड एरिया है और ये स्पेसिफिक टाइम पे उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, कब तक कर रहा है? जब तक ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे बचाया हुआ है इस पहाड़ों को, ये बर्फ जो है वो पिघल ही रही है, जहां गर्मी पैदा हुई उनकी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जानी क्योंकि वो उसके लिए बने ही नहीं है। अब कहने को कुछ भी कहते रहो, सर्जी लेपर्ड है ठीक है, व्हाइट है चाहे ऑरेंज कलर के हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ठीक है, ये चीज है। उसके बाद हर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट होती है, जैसे इंसान इंसानों की ग्रोथ रेट होती है। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि इंडिया में वो कौन सा ऐसा साल था, इकलौता ऐसा साल था आजादी के पहले चाहे आजादी के बाद, जब इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव रही है? नेगेटिव मतलब कभी भी कम हो जाती है, नेगेटिव नहीं रहती किसी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ, लेकिन इंडिया की रही है एक बारी। क्या मुझे कोई वो साल बता सकता है? और ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीपीएससी में, इसी इसी उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, मालथूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किससे रिलेटेड है, मुझे कोई बता सकता है? कोई किसी को वो साल या डिकेड पता है? हाँ? उसका आंसर है 1918 से लेकर 1919। क्या हुआ था यहां पर याद करो, एक एपिडेमिक आया था यहां पर उस टाइम पर इंडिया में, या पूरे वर्ल्ड में छाया होता, तुमने नाम तो सुना ही होगा, स्पेनिश फ्लू। ये चीज है, दिखा देता हूं 2 मिनट में इसको, ये देखो 12th क्लास की जो सोशियोलॉजी की बुक है उसके अंदर दे रखा है, ये 1918 से 1919 तक जो ये फ्लू आया था जिसको हम लोग स्पेनिश फ्लू बोलते हैं, इसकी वजह से इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी, सिर्फ ऐसे ये साल रहा है 1918 से 1919 तक, ये तो सेंसस है 1921 के सेंसस में, इसलिए सिर्फ इकलौता ये वाला टाइम में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। सोसाइटी के भी लेक्चर्स मैंने डालना शुरू कर दिए, वो भी बस आप कोल्ड वॉर खत्म कर लो तो उसको फिर देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पर एक जैसे लोगों को क्या लगेगा, इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 से पूछ लिया क्वेश्चन 2023 के प्रीलिम्स में, नहीं जी वो यहाँ से निकलेगा क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें टोटल फर्टिलिटी रेट जो रहा है वो रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे रहा है, तो वो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं ये वाली, और कौन से ऐसे लोग हैं जो भैया समझाने के बाद भी सेक्स करने से माने नहीं और वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती चली गई जब दूसरे राज्यों में कम हो रही थी, वो बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन यूपीपीएससी और एमपीपीएससी इवन यूपीएससी में भी स्टेटमेंट फॉर्म में किसी ना किसी फॉर्म में बन सकते हैं। तो मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो मतलब जैसे आप ये ख़त्म कर लोगे 9 जुलाई तक जो आपको मैंने टास्क दिया है, तो जो ट्राइस्वेट डेस्टिनी की जो स्पीच से लेकर नरेंद्र मोदी तक की जो जर्नी है वो पूरी मैं आपको कवर करवा दूंगा, तो आपको कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स समझ में आने लग जाएगी, वो क्यों इंपॉर्टेंट है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडिया की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, बिकॉज हम लोग PSIR के स्टूडेंट हैं, साइमल्टेनियसली सब कुछ चीज़ें चलेंगे, तो मेरे लिए करेंट करेंट चीज़ों को करेंट करके आपको पढ़ाना आसान रहेगा ताकि आप पूरी की पूरी पॉलिटिक्स समझ पाओ। जैसे ब्यूरोक्रेसी का एक्सेसिवनेस क्या था,
जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, इस तरीके की चीज आपको पता होनी चाहिए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किन हालातों में आया, क्यों आर्टिकल 1 ने देश को अलग अलग टुकड़ों में टूटने से बचा लिया, कि जब पंजाब डिमांड कर रहा था खालिस्तान बनाने की, नागालैंड ग्रेटर नागालैंड बनाने की, उनके लीडर थे एजी फिजो, ठीक है, तो ये सब डिमांड कैसे रुक गई, आर्टिकल 1 कितना पावरफुल आर्टिकल है, ये सारी चीज। मैं आपसे पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहा था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू बर्थ या फिर इमिग्रेशन की वजह से, या नेगेटिव भी हो सकता है ड्यू टू डेथ या फिर इमिग्रेशन की वजह से। तुम लोग मुझे ये बताओगे, क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, इनके बीच में इस दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। लक्ष्मीकांत में जब सिटीजनशिप का चैप्टर करेंगे, चैप्टर 5 है आई थिंक वो, तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। यहां पर हम एक टॉपिक करने वाले हैं आइडेंटिफाइंग पॉपुलेशन यूजिंग पग मार्क्स। ये पग मार्क क्या होते हैं, ये पग मार्क क्या होते हैं, फुट इम्प्रिंट्स, यहां पर देखो वर्ड फुट इम्प्रिंट्स। जैसे ये एक मूवी है, बहुत साल पहले आई थी काल, ठीक है, शायद से आप लोगों ने देखी हो, एक सीन दिखाना चाहता हूं, नहीं भी देखी हो मूवी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। यहां पर इनकी जीप फंस गई है, ये उतरने से यहां पर इसलिए कतरा रहे हैं, ये एक टाइगर का कोर एरिया है, यहां पर बड़े सारे पग मार्क्स हैं, और ये बोला जाता है कि जहां पर टाइगर की पग मार्क्स हो वहां पर हमें नहीं चलना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, उसका लॉजिकल रीजन ये है कि आसपास टाइगर कहीं ना कहीं हो सकता है। अब जानवर कोई भी हो सकता है, हाथी क्रोकोडाइल वगैरह कुछ भी, लेकिन क्योंकि इस सीन में टाइगर्स यूज है तो मैं टाइगर के बारे में बता रहा हूँ, वो समझा रही है उसको कि मत उतरो, यहाँ पर खतरनाक नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मतलब खतरनाक है, खतरे से खाली नहीं है, तुम यहाँ पर मत उतरो, वो अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को समझा रही है, ठीक है। तो अब उसने बोला था कि वहां पर मत जाओ, यहाँ पग मार्क्स हैं, लेकिन ये नहीं माने, लाइटली ले लिया इसको, और अंजाम क्या कि आप जीप से उतर गए, टाइगर आसपास हो सकते थे, पग मार्क्स को आपने अवॉइड करा, और अल्टीमेटली टाइगर आ गए, ठीक है, ये आ गए, और टाइगरों ने इन दोनों को घेर लिया, विवेक ओबेरॉय और जॉन अब्राहम को घेर लिया, ठीक है। पॉइंट यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, पॉइंट यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के अगर आपको टाइगर के फुटप्रिंट्स, जैसे टाइगर के ही यूज कर लेते हैं अपने एग्जाम्पल के अंदर, ये अगर टाइगर के फुटप्रिंट्स अगर हम लोग ये यूज कर रहे हैं, या इकोलॉजिस्ट यूज कर रहे हैं, या फिर मतलब मान लो कि कोई आप में से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है, तो उनको पता रहते हैं कि इनके पग मार्क्स को फॉलो करके हम लोग टाइगर तक पहुंच सकते हैं। भैया टाइगर तक क्यों पहुंचना है तुम्हें, क्योंकि वो किसी भी रीजन से हो सकता है, जैसे सरकार ने अगर एक संकल्प लिया है कि हमें टाइगर की जनसंख्या बढ़ानी है प्रोजेक्ट टाइगर का इस्तेमाल करके, तो ऑब्वियस ही बात है हमें उनको फॉलो तो करना पड़ेगा, उनकी पॉपुलेशन तो पता लगानी पड़ेगी कि वो कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं रह रहे हैं। तो होता क्या है, बड़े बड़े इधर से उधर ट्रैवल करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे टाइगर लेपर्ड शेर हिरण, इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, कि अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी का दोस्तों ये मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लो कोई एक एरिया है एक्स वाई जेड, इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोगों की भसड़ है, यानी कि ऐसा मान लो कि आपका घर है, उसमें ये 3 कमरे हैं, इसमें कितने मेंबर रह रहे हैं, 5 रह रहे हैं, 3 रह रहे हैं, आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो, 9 लोग रह रहे हैं, गर्मी छुट्टियां चल रही हैं, सारे कजन आ गए मोटा के, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेस में आपका जो भी मतलब मान लो कि आपके घर का नाम है कृष्णा निवास, कृष्णा निवास में कितने लोगों की भसड़ है, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका कंसेप्ट भी एक अलग से होता है, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया यही मतलब होता है इसका। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हमें एक पर्टिकुलर एरिया में पता लगानी है, यानी कि हम ऐसा बोल दें कि मध्य प्रदेश के किसी इलाके में एक जंगल का एरिया है, वहां पर कितनी शेरों की या फिर टाइगर्स की या फिर बाघों की जनसंख्या कितनी है, हम लोगों को काउंट करना है, वी विल फॉलो पग मार्क्स, ठीक है।
जो कि एनिमल्स ने लेफ्ट करे होते हैं ना डिफाइंड एरिया, मतलब वो उस पर चले होते हैं, तो उनके हम लोग फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं। जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं या कुछ भी होते हैं, किसी को भी, जैसे आपने वो सुना होगा ना, एक सरकार के बड़े सारे इनिशिएटिव्स होते हैं इस प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह के लिए, तो करंट अफेयर में आता रहता है। स्ट्राइप्स, एम स्ट्राइप्स प्रोजेक्ट है, कॉलर पे रेडियो कॉलर प्रोजेक्ट होता है कि जैसे मतलब मान लो वो ना टाइगर्स को बेहोश करके गोली वोली मार के, बेहोशी की गोली मतलब मार के उन पे कॉलर्स लपेट देते हैं कि कहाँ कहाँ जा रहे हो, डबल काउंटिंग ना हो जाए फिर, है ना। तो स्टडी ऑफ पग मार्क्स जो होती है किसी भी एनिमल की हो चाहे वो हमें इंफॉर्मेशन रिलायबली प्रोवाइड करती है, क्योंकि उसके फायदे क्या क्या होते हैं। एक तो हमें ये पता लगता है कि एक पर्टिकुलर एरिया जिसकी स्टडी करी जा रही है वहां पर कितने स्पीशीज प्रेजेंट है, दूसरा इंडिविजुअल एनिमल्स और कौन कौन से हैं उस स्पीशीज के अलावा, फिर अगर क्योंकि ये चीज पग मार्क्स मतलब ऑब्वियसली बात है, मतलब जनरली ये वर्ड उसके लिए कैट्स की स्पीशीज के लिए यूज होता है, तो लार्जर कैट्स की जनसंख्या पता लगानी है तो उसके लिए, क्योंकि इन्हीं को हंट करा जाता है जनरली इनके प्रीशियस स्किन या फिर इनसे मिलने वाले किसी प्रोडक्ट के लिए, और ये देखा जाता है कि सेक्स रेशियो और एज कितनी है इन सारे जानवरों की, ठीक है। तो टाइगर की जो एज होती है, यहाँ पर जो लिखा ना सेक्स ऑफ टाइगर मतलब ये नहीं कि सेक्स कर रहे हैं टाइगर, सेक्स ऑफ टाइगर मतलब एज जो है टाइगर्स की वो डिटरमाइन करी जा सकती है पग मार्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी कि जैसे ऐसा बोला जाता है, मैं एक जन को जानता हूं, तो उन्होंने मुझे बताया था जब कोई गहरा पग मार्क होता है ना दीपांक, तो उससे हमें पता लग जाता है कि यहां से कोई शेरनी या फिर टाइग्रेस गुजरी है। मैंने उससे पूछा सर ऐसा क्यों, तो कहते कि लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर एक जान पल रही है उसके कोक के अंदर, तो डबल वजन हो गया उसका, पांव का दबाव उस पर ज्यादा भारी पड़ेगा। प्रेग्नेंट लेडी क्या कहती है नॉर्थ इंडिया में, हमारा पैर भारी चल रहा है, यानी कि दे आर प्रेग्नेंट। ये चीज होती है, ये आप लिख सकते हो कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेगनेंसी ऑफ द एनिमल्स, उनका पगमाक ज्यादा मिट्टी के अंदर दबा हुआ होगा क्योंकि वजन आ गया पैरों के अंदर। ये चीज है, क्यों आ गया वजन, कोख में एक जान लेकर चल रही है वो टाइग्रेस या फिर लाइनेस या कोई भी, ठीक है। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसके लेटर मार्क्स होंगे। अगर वो मतलब ये गहरे दबाव, गहरे पैर और लाइट पैर, इससे क्या डिफरेंस हो सकता है भैया, गहरे पैर वालों को फॉलो कर लेते हैं एनवायरमेंटलिस्ट, क्यों, वो वेट कर रहे होते हैं, अच्छा इस रीजन में ये पैर थोड़े से मिट्टी के अंदर ज्यादा दबे हुए हैं, यहां पर कोई ना कोई टाइग्रेस प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट टाइग्रेस बहुत ज्यादा ट्रेवल कर नहीं सकती डिस्टेंस, तो आसपास जब वो अपने बच्चों को जन्म देगी तो वो ज्यादा दूर का इलाका नहीं होगा, और बच्चों को जन्म देने का ये मतलब है टाइगर सेंसस के अंदर एक नया टाइगर या दो टाइगर या तीन टाइगर को काउंट करना, बस खत्म खेल। छोटे छोटे पग मार्क्स है, इसका मतलब डेफिनेटली जो हम सोच रहे थे बच्चे पैदा हुए हैं टाइग्रेस के। ये किसी भी स्पीशीज पे अप्लाई होता है, ये मतलब पग मार्क्स का कंसेप्ट देखो क्या होता है। वैसे मैंने बोल दिया कि क्रोकोडाइल ये वो फलाना डिकमा, लेकिन भाई पग मार्क्स हम लोग वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, पंजे जो ऐसे दब सके ये करके, तो वो जनरली यहाँ पर इन्होंने दे रखा। लार्जर कैट्स के लिए वाला कंसेप्ट यूज होता है, टाइगर लेपर्ड लायन, जनरली डियर के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन जनरली इनके लिए यूज होता है। क्यों भाई, एक बार बताओ ना, मैं इतना वेला हूँ, ना तुम इतने वेले हो, ना एनवायरमेंटलिस्ट इतने वेले हैं कि जंगलों में रात रात भर यही करते रहे भैया। क्यों, कोई ना कोई डेफिनेटली देश का प्रोजेक्ट चल रहा होगा, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लेपर्ड्स, प्रोजेक्ट लायन, या सेंसस निकलना होगा उनका हर दो साल में एक बार, या पांच साल में एक बार, या दस साल में एक बार, तो उसके लिए वो सतर्क हो जाते हैं। ऐसे ही हथनी के जो पैर होते हैं उससे वो पता लगाया जाता है, ठीक है। और हथनी के ऊपर एक क्वेश्चन आया भी था 2020 में, याद है जब वो पटाखे वाली बात हुई थी, जब वो दो बच्चों ने मजाक में प्रेग्नेंट हथनी को पटाखा खिला दिया था, मर गई थी वो, और हथनी के ऊपर क्वेश्चन आ गया था 2020 में कि हथनी का लीडर होती है उसके ग्रुप की, क्या वो इतना ट्रैवल कर सकती है, ये वो बचा जाता। जो आप कह रहे हो कि अंकिता डबल काउंटिंग हो सकती है, गलतियां तो हो सकती हैं भाई, अब वो उनका घर है, जंगल उनका घर है, तो गलतियां हो जाती है, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट के पास अब बहुत सारी टेक्निक रहती हैं। सबसे पहली टेक्निक तो ये रह गई है कि अगर आपको ये सेंसस वगैरह की काउंटिंग करनी है, अगर आपको कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाए, आप लिखो यूज ड्रोन्स। ड्रोन्स पे जाकर आप कोई चीज मतलब पास लेके जाओ ड्रोन्स के, एनिमल्स के मतलब वो करके, या फिर रेडियो कॉलर मेथड एक होता है, रेडियो कॉलर, सारे मेथड हम पढ़ेंगे वैसे, लेकिन ये सारी चीजें करके डबल काउंटिंग अवॉइड हो जाती है। कुछ मतलब रेडियो कॉलर क्या होता है, ड्रोन गया उसने एक दूर से, मतलब मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ऐसा होता नहीं है, तरीका समझा रहा हूं, मतलब ड्रोन गया उड़ता हुआ, शेर के ऊपर है वो ड्रोन,
एक इसने हल्की सी एक चिप फेंकी मेमोरी कार्ड की तरह, जो कि उसकी स्किन से चिपक जाएगी अगले 9 से 10 महीने के लिए, जब तक तो स्टडी करनी है। अब वो चिप में क्या कुछ सेंसर्स हैं, कुछ एंटीना, कुछ मतलब उसमें से वेव्स तिरंगे वगैरह बाहर आती है, जो कि उस एनवायरमेंट के फोन से कनेक्टेड है। तो उसे पता लग जाता है, अच्छा ये वाले टाइगर की, ये वाले लेपर्ड की, ये वाली शेरनी की काउंटिंग हम कर चुके हैं, अब इसको दोबारा काउंट नहीं करना। तो ये सब नहीं करना है, ड्रोन उड़ा उड़ा के काउंट करते जाओ कि इस एरिया के सारे हमने काउंट कर लिए। एक ही रात में हमारे टीम आई थी 50 लोगों की, सबने इधर इधर ड्रोन अपने भेजे, इस एरिया में तो एक भी शेर चीते नहीं रह गए। अब वो अलग बात है कि कोई कॉरिडोर बन रखा है जैसे टाइगर कॉरिडोर होते हैं, इस जंगल के कोने से, जंगल ए के कोने से जंगल बी तक वो रातों रात ट्रैवल कर कर आ गए किसी एक वजह से, हाईवे वगैरह की वजह से, तो 4 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए। प्रिसाइज तो कोई भी नहीं बता सकता ना, हर टाइगर को देखते थोड़ी ना बता दो प्रेग्नेंट है कि कल ही बच्चा देगी है या फिर अगले हफ्ते बच्चा देगी। तब तक आप वहां की स्टडी करके निकल गए तो क्या हुआ कि शाम शाम को 7 बच्चे अगर पैदा हो गए वहां पर तो। लेकिन जनरली क्योंकि उनका वो काम होता है तो वो उसको लाइटली नहीं लेते हैं, वो उस पर बहुत और स्टडी करते हैं। काम ही भाई वही है ना, सैलरी उसी चीज की मिल रही है।